यू जस्ट सेट अप नॉनसेंस लेडी। ग्वालियर में कुछ इस तरह से एसडीएम सीबी प्रसाद ने आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर से बात की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर बवाल मच गया। मामला बुधवार का है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फुटी कॉलोनी में गरीबों के मकान तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वह कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन एसडीएम की जिद थी कि कार्यकर्ता उन्हें ही ज्ञापन सौंपे। ऐसा नहीं करने पर एसडीएम भड़क गए। इसी को लेकर आप नेता से उनकी बहस हुई। आप नेता ने कलेक्टर से एसडीएम के अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। कुछ समय पहले प्रशासन ने सिरोल स्थित फुटी कॉलोनी में अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। वहां रहने वाले गरीबों के मकान तोड़ दिए गए थे। इसी कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांग कर रहे थे कि फुटी कॉलोनी इलाके में अतिक्रमण तोड़ने के बाद जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें घर दिए जाएं। एसडीएम को भड़कते देखकर आप नेता मनीषा सिंह तोमर भी गुस्से में आ गई और यू सटअप कह दिया। इस पर वहां विवाद की स्थिति बन गई। वहां पहले से मौजूद पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह से एसडीएम सीबी प्रसाद के व्यवहार की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। आप नेता का कहना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आम लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा रहता होगा? आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर का कहना है कि जब एक महिला और पार्टी की पदाधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, तो आम व्यक्ति और मजदूरों के साथ प्रशासनिक अधिकारी किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे, इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने एसडीएम पर भू माफिया के साथ साठ गांठ रखने और गरीबों पर अतिक्रमण की झूठी कार्यवाही करने का आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, वह कलेक्ट्रेट के बाहर ही लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगी। You shut up.